गोवा में बुधवार से शुरू हुए 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ने एक दूसरे को अपनी प्रेरणा बताया। दोनों हस्तियां दो बार मंच पर आईं। पहली बार अमिताभ ने रजनीकांत को आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। इस दौरान रजनीकांत ने अमिताभ के पैर छुए। अमिताभ अक्सर पैर छूने वाला इकाईरा देखते हैं, लेकिन रजनीकांत ने यह सब इतनी तेजी से किया कि अमिताभ उन्हें रोक नहीं पाए। इसके बाद रजनीकांत ने अमिताभ को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार दिया था। अमिताभ ने उन्हें गले लगा लिया, कहा, रजनीकांत के साथ मेरी नोकझोंक चलती रहती है, वे मुझे सलाह देते हैं, ये करो ये मत करो, लेकिन हम एक दूसरे की सलाह नहीं मानते। इससे पहले समारोह में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत राजनेता मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में रमेश सिप्पी, एन चंद्रा और पीसी श्रीराम को सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर शंकर महादेवन ने प्रस्तुति दी। फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने ट्वीट किया कि सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का सम्मान किया गया। फ्रांस की मशहूर अभिनेत्री इसाबेल हपर्ट को उनकी एक्टिंग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसाबेल अब तक 124 फिल्मों में अपनी कलाकारी का दम दिखा चुकी हैं। इतना ही नहीं, वे अब तक 16 बार सीजर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं और 2 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में 10 दिनों तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया भर से करीब 9000 लोग शिरकत करेंगे। इसमें 76 देशों की 200 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आईफी को संयुक्त रूप से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार की एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा आयोजित किया जाता है। पहले दिन दिखाई गई इटालियन फिल्म। 10 दिवसीय समारोह के पहले दिन इटालियन डायरेक्टर गोरान की फिल्म डिस्पाइट द फॉग का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का समापन ईरानी फिल्म मार्ग एंड हर मदर के प्रदर्शन से होगा।